भारत G20 बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। इसी कड़ी में पर्यटन और युवाओं के विकास से जुड़ी G20 की बैठक श्रीनगर में 22 और 24 मई को हो रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार यहां अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी लगातार G20 बैठक जम्मू कश्मीर में कराए जाने का विरोध कर रहा है। हालांकि भारत पहले ही यह साफ कर चुका है कि श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और यह भारत का आंतरिक मामला है। G20 की बैठक के लिए श्रीनगर को खूब सजाया जा रहा है और यहाँ के लोगों में इस बैठक को लेकर काफी उत्साह है। इस बैठक के जरिए भारत दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंटने के बाद भी जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज है और घाटी में अमन चैन है। लेकिन यही बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही। वो श्रीनगर में G20 की बैठक को सफल होते नहीं देखना चाहता, इसलिए वह श्रीनगर में गड़बड़ी फैलाने के मंसूबे ही नहीं पाल रहा बल्कि उसकी पुख्ता योजना भी बना ली है। जबकि वह खुद अभी आर्थिक तंगी, गृह युद्ध और सियासत के दांव पेच में उलझा हुआ है। लेकिन खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का पर्दाफाश कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपने उच्चायोगों को टूलकिट भेजकर भारत के श्रीनगर में होने वाली G20 के बैठक के खिलाफ अड़ंगा डालने की प्लानिंग की है, जिससे कि भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा सके। इसी के तहत फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ पोस्ट किए जा रहे हैं और इसे अलग अलग हैशटैग से भी ट्रेंड कराया जा रहा है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि G20 की बैठक से पहले पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन परंपरागत तरीके से अलग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। आतंकी कश्मीर में अपहरण की खौफनाक साजिश रच रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे किसी हाउस बोट के अपहरण की साजिश रच रहे हैं, इसलिए मार्कोस कमांडो को डल झील में उतार दिया गया है। पूरी कश्मीर घाटी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। NSG, मार्कोस और कोबरा कमांडो ने घाटी को अपने घेरे में ले लिया है। पहाड़ हो या जंगल, झील या सड़क मार्ग या बस स्टैंड, एयरपोर्ट या बाजार या फिर दूसरे सार्वजनिक स्थल, कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जहां आर्मी, CRPF, CISF, कोबरा, मार्कोस, NSG, BSF और जम्मू कश्मीर के जवानों को तैनात नहीं किया गया है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन 3T चलाकर उनके नेटवर्क की कमर तोड़ने में लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 20 दिनों में ऐसे 70 ऑपरेशन चलाकर लोगों को पकड़ा गया है जो आतंकी संगठनों की फंडिंग कर रहे हैं या उन्हें किसी न किसी तरह की मदद पहुंचा रहे हैं। कहा जा सकता है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक कराने को लेकर प्रतिबद्ध है और पाकिस्तान चाहे जितने भी खतरनाक मंसूबे पाल ले, हमारी सेना और खुफिया एजेंसियां उसकी एक भी नापाक योजना कामयाब नहीं होने देगी और दुनिया देखेगी कि कश्मीर में G20 की बैठक कैसे सफलतापूर्वक हो रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।